ज्ञान बन ही नहीं सकते। और क्या कह रहे हैं, काहू वस्तु काहू को स्वभाव नहीं गयो है। एक ज्ञान और एक ज्ञेय, पूरे विश्व का इतना ही संबंध है, ज्ञान और ज्ञेय। एक भी ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं हुआ और एक भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हुआ। स्वभाव है वस्तु को, स्वभाव ना गहत है। आखिरी में समझाऊंगा, पर समझ लो। एते पर इतना होने पर भी को मिथ्या मति कहे ज्ञाकार प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध हो रहो है। इतना होने पर भी क्या अनादिकाल से ज्ञान शुद्ध है, अनादिकाल से ज्ञायक शुद्ध है, अनादिकाल से आत्मा शुद्ध है, होने पर भी एते पर भी मिथ्या मति कहे ज्ञाकार प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध हो रहो है। क्या मान रहा है वो, गेहूं को जानने से मैं अशुद्ध हो रहा हूं। एते पर भी इतना होने पर भी कैसा होने पर भी कि ज्ञान कभी गेह रूप नहीं हुआ, गेह कभी ज्ञान रूप नहीं हुआ, ज्ञान में गेहूं ने प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब है कि ज्ञान त्रिकाल शुद्ध है, ज्ञान कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा भी नहीं। इतना होने पर भी मिथ्या दृष्टि कह रहा है मैं अशुद्ध हूं। आगे यही दुर्बुद्धि सो विकल भयो डोलत है, यही दुर्बुद्धि सो विकल भयो डोलत है, समुझे न धर्म यो भरम माही भयो है। भरम माही भयो है, भरम में भ्रम जी रहा है। अब तुम्हें तो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये बात पक्की है। अनादि काल से चार गति में इसलिए रखड़ रहा है जी, भ्रम से डोल रहा है। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। आपको यही तो लगता है हम यहाँ रहेंगे तो परिणाम खराब होते रहेंगे। भक्त चलो, घर में मत रहो, मंदिर चलो, मंदिर में मत रहो, शिखर जी चलो, शिखर जी नहीं सोनागिरी चलो, सोनागिरी जी नहीं वहाँ चलो जो वहाँ अपने वाले लोग हैं, जो पत्नी हमारे अनुकूल है जहाँ चलो अब ठीक है, पत्नी से दुखी हुए तो वहां चलो। काय के लिए पता है, क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे ही मैं रागादिक के विषय को जानता हूँ, पंचेंद्रिय के विषय को जानता हूँ, और जानते से ही मेरी आत्मा मलिन हो जाती है। पॉइंट नोट किया जाए, जानते ही आपको कैसा लगता है आत्मा, बोलो बोलो। आप ध्यान करने बैठे और पत्नी के भोग दिखाई दे जाए तो आपको कैसा लगता है, बोलो। बच्चों की चीजें दिखाई दे जाए, टेंशन याद आ जाए, व्यापार धंधा मुकदमाबाजी लड़ाई झगड़ा भाई भाई की क्लेश याद आ जाती है समय के काल में, तो आप आनंद करते हो कि दुखी होते हो, तो आपको एकदम ऐसा लगता है ना हम भाइयों के संग रहेंगे, मर जाएं, भग जाएं, हट जाएं, ये वो डावा डोल भयो डोल है, भरम में भयो है। तुम्हें अच्छा क्यों, तुम्हें क्या लगता होगा, सब लोगों को जो दिगंबर मुहिराज ध्यान लगाने बैठते होंगे उन्हें तो पत्नी बच्चे मकान दुकान कुछ दिखते ही नहीं होगा, ऐसे लगता है तुम्हें, तो क्या लगता है क्या, जैसे जो मुहिराज हैं भावलिंगी संत उन्हें तो नहीं दिखता होगा, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान कुछ नहीं दिखता होगा, क्या कहना है बोलो है उन्हें भी। अरे भाई पानी की रेखा जैसा दिखता है, संजुलन है ना, संजुलन पानी की रेखा जैसा दिखता है। ज्ञान ये से दिक्कत थोड़ी है, वहां तुम्हारा उपयोग कितना अटकता है फर्क यह है, पानी की रेखा जैसा दिखा दिख गया क्यों, पत्नी नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, माता दिखाई नहीं देगी, दिखाई देने में दिक्कत थोड़ी है, ये तो स्थापना निक्षेप लोक व्यवहार, ये तो केवल ज्ञान में तीन काल के दिखेंगे, क्यों केवल ज्ञान में स्त्री स्त्री रूप नहीं दिखेंगी, गलत गलत रूप नहीं दिखाई देंगी, पापी पापी रूप नहीं दिखाई देंगे। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ भी यही हालत है, यहाँ पानी की रेखा जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सब दिखते हैं, क्योंकि गे से गे अंतर आठवें गुण स्थान में भी हो रहा है। यहाँ बुद्धिपूर्वक इसलिए कहा है कि बुद्धि में जानने में आ रहे हैं, और वहाँ अबुद्धिपूर्वक इसलिए कहा है कि वो बुद्धि में पकड़ में नहीं आते, चलते तो रहते ही। और एक बहुत अच्छी बात बोलूं, बहुत ही मस्त बात है, समझ में आ जाए तो, ज्ञान में क्या घेय झलकता है ना, इससे बंद होता ही नहीं,
बिल्कुल बंद नहीं होता, बिल्कुल बंद नहीं होता, बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान में गए झलके और बंद होने लगे तो तीन काल में मोक्ष नहीं होगा। सबर पर घसक सकत ही हमारी ताते वजन वेद ब्रह्म भारे। भ्रम है भ्रम, मन सुन लेने सभी लोग, बड़े काम की बात है, जिसकी वजह से मैं मस्त हूं, मतलब मैं अपनी बात मस्ती कर रहा हूं। मन वचन काय की, मन वचन काय की क्रिया चेष्टाओं से बंद होता ही नहीं। और सबसे ज्यादा परेशान लोग यही हैं, मन वचन काय से बंद होता है, और मित्र पक्ष का तो है ही पूरा पूरा, लेकिन हम सब भी हैरान परेशान है, इसलिए अभी भी मन में ऐसा विचार आता है, वचन ऐसे बोल जाते हैं, काय की चेष्टा ऐसी हो जाती है, और मन वचन काय की चेष्टाओं से भी, और मन वचन काय के जानने में आने पर भी, जो जो तुम्हें जानने में आने उससे बंद का रिलेशन ही नहीं है। बंद एक राग आदि का शुद्ध उपयोग सो, अब इस पे हमारी नजर ही नहीं जाती, आपको बिल्कुल जानने में नहीं आओ तो भी, ये मैंने ग्वालियर में चलाई थी ये बात, कि तुम्हें अभी भी जो एक बार भी परिस्थिति का विचार तक नहीं करती तो भी परिस्थिति का बंद चल रहा है, विषय का विचार तक नहीं करते सज्जन लोग, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, पर में सुख मानते हैं तो उन्हें विषय वृत्ति का भी बंद लगता है, मांस खाने का भी बंद लग रहा है, तुम्हें घबराहट हो जाएगी सुनकर के, क्यों? जानने में आता है उससे बंद नहीं होता है, जो तुम्हारे जानने में भी नहीं आता है, सत्ता में पड़े हुए जो भाव है, अभिप्राय है, अभिप्राय अभिप्राय बंद उससे होता है। और इसको मैंने बहुत समझाया था, याद होगा वहां का ग्वालियर के शिविर में मैंने बताई थी वहां बात, मिथ्या दृष्टि के एक विवाह होता है और छाई सम्यक दृष्टि के 96,000 होते हैं, बताओ जानने में किसको ज्यादा आ रहा है, भिखारी भाव जानने में किसको ज्यादा आएगा बोलो, वो भी पर डे, मिथ्या दृष्टि तो भैया धीरे धीरे फिर कम समय लगने लगता है पत्नी में, लेकिन छाई सम्यक दृष्टि का तो पर डे लिखा हुआ है 96,000, तो बताओ बंद किसको ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारे पास तो यही कितनी सी घर गृहस्थी, उनकी 6 खंड है तो भी बोलो बंद, बंद का संबंध संयोग से नहीं है, बंद का संबंध मन वचन काय की चेष्टाओं से नहीं है, और मन वचन काय की, अब मैं रुक जाऊं थोड़ी देर, ताकि जो उनको पहली बार सुन रहे होंगे तो वे तो बिल्कुल, मैं जानता हूं इसके खिलाफ, मेरे खिलाफ बिल्कुल कितनी कोर्ट केस हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर के आश्रय से समझाया गया है, जिन वाणी भरी हुई है इससे, तुमने ऐसा बोला पाप लगेगा, तुमने ऐसे किया निगो चले जाओगे नरक चले जाओगे, तुमने ऐसा खाया क्यों, तुमने ऐसे करा क्यों, इससे भरा पड़ा है, 99% उपदेश शैली भरी पड़ी है इसी से ही, मुझे भी पता है ये बात, इसीलिए नयों का जरूरत पड़ी, 1 नंबर का कथन और 2 नंबर के कथन से बंद व्यवस्था नहीं होती, बंद व्यवस्था 3 नंबर से होती है, बंद की व्यवस्था कटने की व्यवस्था भी 3 नंबर से शुरू होती है, अब तुम लोग नहीं समझोगे 3 नंबर है क्या ये, और 3 नंबर से कटना और बांधना क्या, ये विद्वानी लोग समझ गए होंगे, बस बहुत सिंपल सी बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सद्भाव, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बंद होता है, ये 3 नंबर के नए का विषय है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से वो कटता है, और पूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए निर्मल छाये वो 4 नंबर का नए है, नाम अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, उन्हें मैं कक्षा पढ़ाता फिर आपको, निश्चय व्यवहार नए के 8 नए मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं पहले, लेकिन अभी संक्षेप में समझा दिया आपको, मुझे तो ये कहना है तो निश्चिंत हो जाओ निश्चिंत, अब यहाँ एक डर लगता है थोड़ा सा, बिल्कुल सब जो भी नया व्यक्ति हो उसे क्वेश्चन आएगा तो चाहे जैसे खाते रहें, चाहे जैसे पियत रहें, चाहे जैसे बोलत रहें, चाहे जैसी सोचत रहें, अभी एक उत्तर तो वो ही है जो तुम्हें सुनने को मिल लालसा होगी, जब मैं कहूँ यहाँ नहीं भैया ऐसे नहीं चाहे ऐसे नहीं करेंगे, अब मेरा दूसरा उत्तर है, लेकिन मेरा दूसरा उत्तर है कि तुम चाहे ऐसे कर ही नहीं सकते, कोई माई का लाल में दमो करके बता दे, आप अपने उदय भाव से ज्यादा और संस्कृति का जो तुम्हारी संस्कार है ना उससे ज्यादा कम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें से कोई में दम हो तो हम दे रहे हैं अनुमति, जाओ 96,000 शादी करके बता दे, 96,000 छोड़ दो, 1,000 ही कर लियो, जाओ 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 करो, तो हम चाहे जो से करके तो बता, हम कहें खाने पीने से बंद नहीं होता और तुम कहो तो फिर हम चाहे तो खाएं, खा ले,
खा ले 1 किलो रबड़ी, 10 किलो घी खा ले, हम दे दे रहे। ये तुम्हें हाथ में, हम खा लेंगे, हम कर लेंगे। करके बता दो, जितनी भक्ति भाव है उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे और जितनी भक्ति भाव से कम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक भी पर्याय फेरफार नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ये धमकी मेरे को कई बार मिली से, तो हम चाहे जैसे पढ़ना में, मैंने पढ़ना में दिखा दे। क्यों तुम दिमाग लगाते हो, दिमाग इतने की वजह से खा के बताओ, इतने से खा के बता दो। तुम तो छोड़ो, पागल से पागल आदमी भी नाक से नहीं खा, पागल से पागल आदमी भी चड्डी सिर से नहीं पहने, चड्डी वहीं से पहने। पागल से पागल, पागल से पागल चड्डी पहन दे दो भाई, ऐसा नहीं चड्डी ऊपर पहन ले और शर्ट नीचे पहन ले, ऐसा नहीं कर, कुर्ता इतने बिदा ले और बनियान नीचे पहन ले, ऐसा आज तक किसी पागल ने नहीं किया। क्यों? ये सब तो इसको क्रमिक संस्कार है, क्रमबद्ध है वो सारा। धमका के ये बात मत करो। हम फिर कह रहे, तुम चाहे जैसा सोच नहीं सकते, जे कह रहा हूँ, तुम चाहे जैसा बोल नहीं सकते और चाहे जैसा खा नहीं सकते। ताकत तो इसमें लगाने का नाम स्वाध्याय है, इसका नाम है तत्व निर्णय। और नहीं तो भयभीत, नहीं नहीं ये लोग क्या करेंगे, कुछ बिगड़ जाएंगे, लोग बिगड़ जाएंगे। एक घंटा प्रवचन करने की मेरी इस पर इच्छा हो रही है कि हम आपस में इसलिए धमकाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो लोग भी तुम्हें आदर्श बना के ऐसा करेंगे। ये टोटली 100% फॉल्स है। और तत्व ज्ञानियों को, मोक्षियों को ये सोच नहीं होनी चाहिए, निर्णय करना चाहिए। एक व्यक्ति को देख करके दूसरा कोई संस्कार लेने वाला मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक। लेकिन जब नहीं, को एक उपदेश शैली है ना, उपदेश शैली, भाई अच्छा आचरण करो, मैं भी कहता हूँ अच्छा आचरण करो। लेकिन इस भाई से अच्छा आचरण नहीं करो, घुट घुट करके अच्छा आचरण नहीं करो कि दूसरे हमें देख के सीख रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, आज तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, आगम से मैं कह रहा हूँ, आगम से भी और प्रैक्टिकल भी कह रहा हूँ। क्यों? एक तीर्थंकर के समय में दूसरे तीर्थंकर नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। एक गणधर हुए, उनके घर की स्थिति जाके देखो, दूसरे इनकी हालत, उनके घर वालों की हालत देखो जाके। पिताजी नरक चले गए, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, बेटा और भाई विमोक्ष चले गए। पिताजी कुशील आचरण करना चाह रहे, तुम्हारी भाषा में, हम तो ज्यादा नहीं कहना चाह रहे, सीता का हरण किया। उनके बेटों ने तो नहीं किया ना हरण। कौन कहता है पिताजी को देख करके बेटा परिणमता है? दारू खोर का बेटा मैंने नहीं देखा, दारू खोर नहीं बनता वो, क्योंकि वो रोज देखता है पिटाई मम्मी की, रोज देखता है गाली गलौज, रोज देखता है बुराइयां, रोज देखता है कमियां। अरे भैया बहुत गंदा नहीं, वो सुधर जाता है। और अच्छे लोगों की संतान बिगड़ जाती है, कहाँ यार कजू खाओ ही मत, पियो ही मत, बस बैठे रहो, वो कुसंगति कर लेता है। ऐसे एक नहीं, हजारों आगम से भी हो, प्रैक्टिकल समाज में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस भाई से अच्छा आचरण नहीं करना चाहता कि लोग मुझे देखकर सीख रहे। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। उपदेश शैली बनी रहो, हम भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पंडित साहब से एक बात कही, मुझे इस बात का बहुत भय लगता है कि मेरे वजह से आपका नाम बदनाम ना हो। मैं भी प्रवचनों में कहता हूँ गुरुदेव श्री का नाम बदनाम हमारी वजह से नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। मैंने पंडित साहब से भी ये कहा, तो पंडित साहब खुश नहीं हुए इससे। खुश होना चाहिए ना, एक शिष्य कह रहा है कि मैं इसलिए सावधान रहता हूँ, अच्छा आचरण करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो लोग मेरी वजह से आपको बदनाम करें। इनका शिष्य जी ऐसी हालत, पंडित साहब ने एक शब्द नहीं कहा इस मामले में कि बहुत बढ़िया बेटा, सही है, इससे तुम बचे रहोगे। नहीं कहा कि तुम बचे रहोगे। उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया, सुनना है। उन्होंने कहा, बेटा एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं करता, तुम्हारी गलतियों की वजह से मैं बदनाम नहीं हुआ, मेरी अपयश प्रकृति से मैं बदनाम होऊंगा। मेरी यश प्रकृति का उदय हुआ, तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, खराब हो जाओगे, तो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर एक मार्मिक पंक्ति कही, वो सुनने लायक है, बेटा मेरी वजह से किसी का क्या हुआ ये मत सोचो, लेकिन मेरे खराब परिणामों से मेरा क्या हुआ ये सोचो। कितनी बढ़िया शिक्षा दी, बोलो। ये मत सोचो मेरी इन परिणामों से दूसरों का क्या होगा, मेरी परिणामों का फल मेरे लिए क्या होगा। डर डर के कब तक? आदर्श बनो, आदर्श बनो, आदर्श नहीं बनो, आदर्श लखो। जैन शासन में देखने की कीमत है, दृष्टि की कीमत है, दृष्टि दृष्टि दृष्टि।
अंजन चोर का नाम क्यों लिया फिर? आदर्श में कोई अच्छा नाम लेना चाहिए था, खराब आदमी का नाम काहे को ले लिया? क्यों छानबीर रानियों वालों का नाम क्यों लिया? बाल ब्रह्मचारियों को आदर्श के नाम पे ले थे, छानबीर रानी वाले को कहा नाम लिया? भाई दृष्टि की कीमत है। ग्यारह अंग नौ पूर्व के पाठी और अनुव्रति महाव्रति मुनिव्रत धार अनंत वार इतने टॉप लेवल के अच्छे काम करने वाले थे ना दोनों, तो ग्यारह अंग नौ पूर्व और वो महाव्रत का आचरण, तो टॉप लेवल पे उनका नाम रखना चाहिए कि भैया ये तो बड़े भ्रष्ट हैं, इन्हें देखो भले ये अपनों कल्याण नहीं कर पाए लेकिन इनकी वजह से समाज बहुत सुधरी, ऐसा तो नहीं बोला? बोला बोलो बोलो, काय की कीमत है? बोलो दृष्टि की कीमत है। तो समझना अच्छी तरह से, नहीं समझ में आया तो भैया पूछ लेना, मैं इतना ही कह सकता हूँ फिर से। तो फिर बंद का डर काय के लिए कर रहे हो तुम? गे झलकते हैं इसलिए तुम डरते हो। और हमें आज इतना ही कहना इसमें से पढ़ करके कि झलकते ही सहज व्यवस्था है लेकिन ग्रहण नहीं करता। देखो शब्द आए ना, न गहतु है, बट खुश हो जाओ, ध्यान लगाने बैठो, पत्नी झलक जाए बिल्कुल मत डरना, मस्त हो जाना और ताली बजाना जरूर था। एक बार हम क्या करते हैं, पहले ही वो डाल देते हैं, नहीं नहीं ध्यान करते समय स्त्री पुत्र आदि नहीं झलकने चाहिए, और व्यापार धंधा पैसा आसक्ति विषय सेवन युद्ध लड़ाई झगड़ा राग देश बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए, तब शुद्ध उपयोग होता है। अब ये बात सबके मान्य होगी मुझे पता है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इन सबके झलकने पर भी मैं शुद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि ना गहतु है, हम गेय को गहते हुए नहीं ग्रहण नहीं करते। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञान में गेय कृत अशुद्धता नहीं होती जी, शुद्ध उपयोग काय का नाम है? भ्रांति तो होगी पक्की बात है, नहीं नहीं ये नहीं झलकना चाहिए, नहीं झलकना चाहिए, नहीं झलकना चाहिए, इसीलिए लोगों को आपत्ति होती है। ये आचार्यों ने स्त्रियों के नक्षिक वर्णन कैसे लिख दी और भोग संभोग की चर्चाएं कैसे लिख दी, हमें तो शंका होती है ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मचारी को तो ये सब होना ही नहीं चाहिए, लिखना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव श्री क्या बोले थे इसका जवाब, हूँ नाचो न थे पर नाचनार ने जोयो छे। पंडित साहब क्या कहते हैं, हम पंडित साहब से कभी कहते, एक बार आप देख तो लो वो जगह कहाँ है कैसी है, एक बार आप देख लो आपके ज्ञान में आ जाएगी। पंडित साहब हमेशा एक जवाब देते थे, ज्ञान गेयावलंबी नहीं, हमें यहीं से दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है। तुम बता दो ना, आगे एक सड़क है, हम देख गए ये एक सड़क है, इधर कुआ है, तो दिखाने लगा हमें कुआ है, और यहाँ एक बढ़िया बन जाएगी, और 500 मीटर पे मंदिर है, और यहाँ एक अच्छी धर्मशाला बन जाएगी। अब दिख तो रही साहब, हमें कहाँ जाके देखने वहाँ। पंडित साहब हमेशा कहते थे ज्ञान गेयावलंबी नहीं होता, इसलिए हमें वहाँ जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं दिख रहा है। फिर से सुनो, ज्ञान में कुछ भी झलके, कुछ भी झलके, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थोड़ी सी, एक्चुअली कुछ भी झलके इससे खतरा नहीं है, कुछ झलकाना चाहते हो खतरा यहाँ है, झलक दे तो दृष्टांत कल दे दिए थे, ब्रह्मचारी लड़कियों को देखे ही नहीं, महिलाओं को देखे कि नहीं देखे, तो समझ गए थे कल का दृष्टांत। ऐसे यहाँ पर हम देखने नहीं जाते, वो दिख जाए तो दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही हम गेयों को जानने जाते नहीं, स्त्री पुत्र मकान दुकान को गाय को जानने बैठे थे और फिर भी वे जानने में आ गए तो भी हम मुस्कुराए, क्योंकि उस समय भी मुझे पता है कि गाय का ही वेदन चल रहा है। कल क्या बोला था, ज्ञान में तो ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, गेयों का वेदन होता ही नहीं है। इतनी बदनामी क्यों कर दी हमने कि स्त्री झलक गई तो बस, ये उपदेश शैली में से कुछ हुआ हुआ तुम्हारी गड़बड़, यहाँ वस्तु स्वरूप बता रहे। देखो एते पर को मिथ्या मति कहे गेयाकार, गेयाकार प्रतिभाषण सो ज्ञान अशुद्ध हुए रहो है, अशुद्ध इसलिए हो रहा है और मिथ्या दृष्टि कह रहा है, और सम्यक दृष्टि यही दूर बुद्धि सो विकल भय और डोला, दे फल बता दिया उसका। अगला छंद पढ़े भैया, 51 नंबर निकालो बेटे, 289। सकल वस्तु जग में असहाई, वस्तु वस्तु सो मिले न काही, जीव वस्तु जाने जग जीती, जीव वस्तु जाने
जग जयति, जानने का मना ही नहीं लिखा है। फिर से सुनो अच्छी तरह से, मैं क्या करूं, मैं बोल ही सकता हूं, मैं मेरा बस चला था झंझोड़ दूं, एक एक को झंझोड़ दूं। ऐसे कहना चाहता हूं, जीव वस्तु जाने अच्छो अच्छो, जीव वस्तु नहीं जाने बोरो, ये नहीं लिखा। जीव वस्तु जाने जग जितनी, विश्व में जितने भी गए हैं, तुमने इष्ट अनिष्ट का नाम डाल दिया, तुमने अच्छा बुरा कह दिया, तुमने सो बसोब कह दिया। विश्व में दो तरह के गए होते ही नहीं है, सो बसो अच्छे और बुरे, खराब और होते ही नहीं। जीव वस्तु जाने जग जीती, सो भिन्न रहे सबसे ती। विश्व में जो कुछ जान रहे हो, फिर वो खतरनाक है ना, उसके नाम बार बार ले रहा हूँ, जो सबको डर लगता है, पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ, ध्यान लगावे बैठे हो पत्नी ना देखे। और यही वजह से हम तो पत्नी से दूर भग जाए, दो चार महीना चले जा सोना के, ताकि पत्नी ना देखे, और वहां चले जाएंगे समय से घर जी, और फिर दीक्षा ही ले लेंगे। और यही ये वो लाइन है जिसकी वजह से मित्र पक्ष ये कहता है कि त्याग करे बिना विकल्प नहीं छूटे, यही वो लाइन। इसलिए घर गृहस्थी में ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री पुत्र अधिक हैं और रोज उनमें डूबे हुए हैं, विकल्प तो आएंगे। इसीलिए कहते हैं मित्र पक्ष में कि घर परिवार में रहते रहते नहीं हो सकता। एक बात तो यहाँ तक कही है, सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान नहीं हो सकता, बहुत प्रबल मान्यता चल रही है प्रवचन की धारा में, बहुत प्रबल मान्यता, प्रबल मान्यता कह रहा हूँ, बड़े संघ की बात है, छोटे मोटे संघ में नहीं चल रही बात, बड़े संघ की बात है। सातवें गुण स्थान तक बोले अभी भी मुझे धर्म ध्यान नहीं हो, आचार्य खुद कह रहे मुझे धर्म ध्यान नहीं, क्यों? जब हमें विकल्प आ जाएगा स्त्री पुत्र आदि का, तो सातवां हो कैसे सकता है, वो आठवां हो कैसे सकता है, आगे सातवां होगा कैसे, तो धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। क्यों? पॉइंट पकड़ने जरा, धर्मी के ध्यान का नाम धर्म ध्यान है, या विषय के ध्यान का नाम धर्म ध्यान है, या आर्थरोध ध्यान है? विषय का ध्यान क्यों करना है, विषय जानने में आने का दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। और विषय के जानने में आने पर भी मैं धर्मी ज्यों कहते हूं, मैंने पर का ग्रहण नहीं किया, इसका नाम धर्म ध्यान। पंडित साहब ने हमें कभी नहीं कहा कि स्त्री आदि को मत जानो, हमसे तो इतनी मीठी बात कही, बेटा ये सोचा करो स्त्रियां दिख जाए तो सर्वज्ञ कैसे देख रहे होंगे, हाँ बहुत बढ़िया, आपका कहना बराबर है, वो तो सीखने की बात चल रही है, सीखने मैंने भेद विज्ञान की प्रैक्टिस, हाँ बहुत बढ़िया, जी बढ़िया बात, भेद विज्ञान की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने कहा, सर्वज्ञ जैसे जानते तुम भी ज्ञान में गे प्रवेश नहीं करते, जानो जानो माने मैं जानने नहीं गया आज तक, मैं जानने नहीं गया, मैंने सील की नवाड़ नहीं तोड़ी। वो तो पंडित साहब ने सब तरह के उपदेश दिए, सील की नवाड़ के भी उपदेश दिए, पहले नंबर सील की नवाड़ के उपदेश, और फिर ये भी कहा बेटा जानने में आ जाए दिक्कत नहीं, जानने मत जाओ, जानने मत जाओ, एक भी मर्यादा मत तोड़ो, हम तो खाने पीने की मर्यादा की कह रहे, बाकी तो है, सील में तो चुस्त है ही, लेकिन एक ये सोचो कि भयभीत होकर के कोई चीज नहीं छूटेगी, भयाक्रांत हो के, ज्ञानाक्रांत हो के नहीं छूटेगी कोई चीज, क्यों? उसका कारण है, ज्ञान का विषय बनने से बंद नहीं हुआ है, ज्ञान का विषय बनाने से बंद हुआ है, फर्क क्या पड़ गया? ज्ञान का विषय बनाने जाओगे तो राग आ गया, वो बंद का कारण, बंद हो एक राग अधिक अशुद्ध उपयोग सौ, बहुत बढ़िया, चले आगे चले। जी वस्तु सो भिन्न रहे सब से ती, ठीक अगला छंद देखो, देखो बहुत सुंदर है, 52 नंबर निकालो बेटे, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा छंद है। कर्म करे फल भोग में जीव अज्ञानी को, जीव अज्ञानी कोई, कोई जीव अज्ञानी कर्म करे और भोग भी, है ना, कर्म करे फल भोग भी, कर्म करता है कर्म का फल भोगता है, बहुत बढ़िया। और अब क्या कह रहे हैं, यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप न होई, कैसी मस्ती की लाइन है, व्यवहार न से उपदेश की शैली में कहते हैं, आगे नहीं बात,
करता है और भोगता है। हम मना नहीं कर रहे, ध्यान रखना सर्वथा नहीं है, जिन वाणी में स्याद बाद है। हम और बातों को, चारों अनियोगों को गौण कर सकते हैं, अभाव नहीं कर सकते। एक बात यह कहकर के अन्य का अभाव नहीं करते। देखो, कर्म करें और भोग वे, ये बात जिनागम में लिखा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सब जिनागम में तो 99% है। मन वचन काय के माध्यम से बंद व्यवस्था, दुख की अवस्था, त्याग की अवस्था सब समझाई है, बराबर है। तो कैसे, ये कथनी व्यवहार की, एक कथन शैली व्यवहार की है, वस्तु स्वरूप ना हो। और ध्यान का आधार है वस्तु स्वरूप। क्या बोला हमने, ध्यान का आधार, अनुभूति का आधार, श्रेणी मानने का आधार क्या है, वस्तु स्वरूप। तो वस्तु स्वरूप का अनुभव करो, बराबर। अब अगला बहुत प्यारा छंद है, इसकी चर्चा विस्तार से करना थोड़ा सा। देखो, ये तो हो गया ना, निश्चय व्यवहार हो गया, बढ़िया। मेरा बेटे 53 नंबर निकाला, देखो बहुत बढ़िया छंद है। ये आकार ज्ञान की परिणति पे वह ज्ञान गेय नहीं होई। फिर से सब जन एक साथ पढ़ो जरा। आकार ज्ञान की परिणति, आकार ज्ञान की परिणति वे बह ज्ञान गेय नहीं होई। लगता है, अब लगता है ना, लगता है दर्पण में बिल्कुल हमारा चेहरा झलकता है। ये दर्पण है और ये काला पर्दा है, एक पाला काला पर्दा, ये गे है और यह दर्पण, ये दर्पण ज्ञान है। और जब दर्पण के सामने काला पर्दा आता है तो दर्पण कैसा दिखता है आपको, कैसा दिखता है, जोर से बोलो, काला दिखता है। इस दिखता है, ये दिखता नहीं, इसलिए कहा है कि दर्पण काला पर्दा रूप परिणमित हो गया। कहते हैं व्यवहार से, व्यवहार से देखो 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 दर्पण काला, देखो देखो दर्पण काला, देखो देखो टीवी में आग लग गई। तुम्हारे घर में टीवी में आग लगी कबू, दिखी है ना, दिखी तो है ना, टीवी में बाढ़ देखी है, टीवी में बाढ़ देखी है, तो कितनी उलीची, अरे उलीच नहीं पड़ेगा, क्यों, आग लग गई तो पानी डालना पड़ेगा पंडित जी, तो क्या कह रहे ये आकार ज्ञान की परिणति पे पे वह ज्ञान गेय नहीं हो। फिर से देखो, दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, बराबर झलक रहा है, तो दर्पण कैसा हो गया, दर्पण कैसा हो गया, दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, दर्पण काला दिख रहा है, चप्पा चप्पा काला दिख रहा है, दर्पण में चप्पा चप्पा काला दिख रहा है, बोलो दर्पण कैसा हो गया, अरे बोलो। लालू भाई जी पूछते थे, लालू भाई जी पूछते थे, तो बताओ इस दर्पण को सफेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सब लोग झट कहते थे पर्दा हटा दे। तो फिर वे कहते थे भैया यदि पर्दा हटाने से सफेद हुआ तो पर्दा लगाने से फिर काला हुआ कि नहीं हुआ, और यदि पर्दा लगाए लगाने से काला नहीं हुआ तो हटाने की वजन 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 हटाने की जरूरत कहां पड़ी। अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ डॉक्टर साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही। ध्यान के काल में पहले नंबर ये निर्णय कर लो कि पूरा विश्व खचित है, उसे तो हटा नहीं सकते, एक भी गेय को नहीं बदल सकते, एक भी तीन काल की खचित पर्यायों को नहीं बदल सकते हैं। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि पत्नी हट जाए तो मैं निर्मल हो जाऊंगा, पत्नी का विचार छूट जाएगा तो मैं निर्मल हो जाऊंगा, और बच्चे हट जाएंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगा, ये बिल्कुल पहले नंबर मिसिंग है यहाँ से, ये सब नहीं हटेगा। और गजब बात है, इन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनो, फिर से जल्दी, ये दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है तो दर्पण के कालेपन को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब मिथ्या दृष्टि इसे हटाना चाहता है और सम्यक दृष्टि कहता है कालो भाव ही कब है। लाइन पढ़ी दीजिए अपन ने, वस्तु स्वरूप ना होई, हुआ ही तो नहीं है, हुआ ही तो नहीं है। जिन कुमार तुम्हें कितना बड़ा भ्रम है, तुमको नहीं सबको, नहीं दृष्टान
लगता तुम्हें तो 24 घंटे लगता है मैं पुरुष हूँ। और जी ज्ञान के हुआ और कुछ नहीं हुआ, ज्ञान में झलका है ना ये शरीर, 24 घंटे झलकता है 24 घंटे। अभी पर्दा तो सरका नहीं सकते, तो हमें 24 घंटे फीलिंग होता है सर मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी इज्जत हो गई, मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ। भले ही हम कितना पढ़ लें, हम देह से भिन्न हैं, लेकिन भैया घोला हुआ तो ये कि हम ही देह हैं, हम ही इज्जत हो रही, हमारी बदनामी हो रही, हम ही खा रहे, हम ही कमा रहे, लगता है कि नहीं 24 घंटे। अब इसके लिए कह रहे भाई कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ये 24 घंटे सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण भ्रम हुआ तुम्हें, 24 घंटे यही दिख रहा है, तो तुम्हें ये लगता है कि दर्पण काला हो ही गया है और इससे बचने का एक ही उपाय है हटाओ, तो ये मिथ्या है। कहीं हटना ही नहीं है, हटाना ही नहीं है, केवल इतना सा रहस्य समझ लो, जिन लखलीनो पैंच ये है, उन लखलियो समस्त, ये पैंच है, मैं ज्ञान का ही वेदन कर रहा हूँ, भले ही उसी समय ये जानने में आ रहा है लेकिन ये मेरे वेदन में नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको यही लगे शांति तभी मिलेगी जब ये नौकरी छोड़ दूँ, शांति जब ही मिलेगी मैं कहीं और चला जाऊँ, परेशान होने वाला व्यक्ति नौकरी ट्रांसफर कर देगा इधर से उधर, अरे काय के लिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और इस बात को गौर से देखना, पंडित साहब ने एक बात कही, जब जब हमने परिस्थितियों की शिकायत करी तो पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात कही, बेटा नार की सम्यक दृष्टि कहाँ चलो जाए, तुमने तो कह दिया हम इधर से उधर चले जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे, इधर से इधर अपनी जुगाड़ लगा लेंगे, लेकिन नार की कहाँ जाके सम्यक दर्शन करेगी, जो जिस नरक में हो जिस बिल में उसको अधिकृत है वो कहाँ जाए, बोलो, जब नारकी को बदलने की स्थान की सुविधा नहीं है तो भी सम्यक दृष्टि असंख्या, त्रियंच कहाँ चले जाए, बोलो, तो मनुष्य को ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्षेत्रांतर करूंगा तो मेरे सम्यक दर्शन होगा, सन वस्तु स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है इसलिए ये रूप नहीं होता है। अब यही भेद विज्ञान की लाइन है और कोई रास्ता नहीं, जैसे अपने को शरीर का लग रहा है ना ऐसे लोगों वो भी लगता है, जो मैं बार बार कह रहा था, जानबूझ के कह रहा था, लगता ही क्या बताएं पंडित जी, अभी भी कमाने के भाव आते हैं, तो अभी भी क्या क्या मतलब, कमाने का भाव आए तो एक बात समझना ध्यान से, कमाने के भाव को गे मात्र के खाते में डाल दे और मैं ज्ञान मात्र हूँ, और कमाने का भाव गुणस्थान प्रमाण मेरा गे बना है, और गुणस्थान बढ़ेगा तो ये गे बने ना बने मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गे बनने से बंद नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है भाई, इतना जान के प्रसन्न रहे, धीरे 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 अनंतानुमंदी पन्ना मिटेगा, गे तो रहेगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 3 के साथ चौकड़ी के भाव में भी गे तो रहेगा, लेकिन कितनी देर का, पानी की रखी जाएगा, गे तो रहेगा ही, संयोग नहीं बदलेंगे, अनंतानुमंदी पना मिटेगा, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन मिट जाएगी, तुम ऐसे मजा करना सीखो, हम क्या सोच रहे हैं गेयों को जानूंगा ही नहीं तो मैं शुद्ध उपयोग होगा, तो ये मिथ्यात हो गया, क्योंकि इसमें तूने अपने जानने की सुपर प्रकाशक शक्ति का घात कर लिया, और इसे समझाने के लिए 14 कलश लगे, समय साजी परिशेष में 14 कलश, सीदती पशु नश्यती गल रहा है, काय के लिए, गयाक्रांत हो रहा है, द्रव संबंधी छेद संबंधी काल संबंधी भाव सत असत ऐसे 7 के 14 भंग बना करके एक अनेक 14 भंग बनाए वहां पर, और भयाक्रांत बना गयाक्रांत बना मिटाया वहां पर, पढ़ना की जैसी बात है, आगे देखो कितना बढ़िया, गे रूप सट द्रव भिन्न पद ज्ञान रूप आत्म पद सोई, हाँ भाई गेयो के नाम बताओ, गे रूप सट द्रव भिन्न पद, भिन्न ज्ञान से भिन्न गे, ज्ञान से भिन्न गे कौन, छह द्रव माने जगत जेती जितना है, जे कौन है, ये कौन, ये पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश ने जगह दी, काल द्रव के निमित्त से पर्णमन, सब 6 द्रव और ये सब मेरे गे, ओनली गे, ओनली गे, इसके लिए कहा था स्वभाव इनका ग्रहण करता है नहीं, ज्ञान गे में आते हैं नहीं, तो फिर हुआ क्या जी, तो बता दे, जब अंदर है ही नहीं तो, बोलो भाई, थोड़े दृष्टांत दूंगा तो अभी बिल्कुल मैं फटाफट चल रहा हूँ, इसी समझ में कम पड़ रहा होगा, मैं दृष्टांत दूंगा, देखो थोड़ी और पढ़ो, जाने भेद, अब आ रहे सम्यक दृष्टि की बात, जाने भेद भाव सुविचक्षण, ज्ञान और गे के भेद को विचक्षण पुरुष जानते, विचक्षण के मैं दृष्टांत दूंगा भैया, गुण लक्षण सम्यक दृग जोई
मूरख कहे ज्ञान मय आकृति। पढ़ो 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 भैया, पढ़ो पढ़ो, दो तीन बार पढ़ो इसको। यदि ऐसा तुम्हें लग रहा है तो मूरख, और नहीं तो विचक्षण। विचक्षण विचक्षण माने विचक्षण पुरुष। और अंतिम लाइन पढ़ो, मूरख कहे ज्ञान मय आकृति, प्रगट कलंक लखे नहीं कोई। प्रगट कलंक लग रहा है, वो कह रहा है देख ही नहीं रहे, हाथ में राग आदि दिख रहे हैं, वो ये कह रहे कलंक नहीं है। इतना मोह राग देश दिख रहा है, वो ये कह रहे कलंक नहीं है। प्रगट कलंक, प्रगट प्रगट कलंक लखे नहीं कोई। हमें तो भैया साफ साफ दिख रहा हो आत्मा अशुद्ध है। जब तक हम स्त्री पुत्र आदि को जानेंगे और ये सब जानेंगे भिखारी भावों को, तब तक आत्मा कलंकित है। हरे की फीलिंग है, लगता ही है। अब मैं इस पर प्रवचन चालू करता हूँ इसकी व्याख्या करने के लिए। बस थोड़ा सा अंतर अपने करना है, जरा देखो। जाने भेद भाव सुविचक्षण, सम्यक दृग जोई, सम्यक दृष्टि माने दृष्टि सम्यक प्रकार से देख करके विचक्षण पुरुष भिन्न देखते हैं। चलो मैं दृष्टांत देता हूँ। यदि अपन भोजन देखेंगे तो भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, पक्की बात है। टेलीविजन में, टेलीविजन में आइसक्रीम दिख रही थी और चार दो साल का बच्चा पहली बार उसने टेलीविजन में आइसक्रीम देखी। आइसक्रीम तो बहुत, तो घुटने के बल या जैसे चल लेता होगा, दो साल का तो चल ही लेगा। चल करके आया और स्क्रीन पे जीभ लगाई उसने, क्यों उसे तो लग रहा था ना, उसे तो लग रहा था यहाँ आइसक्रीम है, तो उसे जीभ लगाई तो टेस्ट आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? थी नहीं। इसका मतलब वहां पर केवल स्क्रीन थी, स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं थी। अब ये भेद विज्ञान उस बच्चे ने कर लिया एक बार में। अगली बार मम्मी ने कहा बेटा लड्डू दिख रहे खा ले, और दो साल का पप्पू समझ गया। अच्छे अच्छे भोजन दिख रहे थे तो वो अब नहीं पकड़ में जा रहा, क्योंकि उसने एक बार देख लिया कि जहां में दिखत है नहीं। अब मेरा काम पूरा हो रहा है, जल्दी पकड़ो। जहां में दिख रहा है नहीं, ऐसे ही ज्ञान में पूरा विश्व दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे टेलीविजन की आइसक्रीम नहीं खाई जा सकती, ऐसे ही ज्ञान में गेहूं का स्वाद नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ज्ञान में ज्ञान का ही स्वाद आ रहा है। अब तुम बार बार डरो मत, बार बार डरो मत। भैया अभी तक आते दिखन देने, ये आइसक्रीम अभी तक पिघल रही, सब बेकार जा रही, जली जान दे, वहां है ही कहां। एक दशा में मेरा पूरा काम हो गया, अब मेहनत करना पड़ेगी तुम्हें, अभी हाल फिर डर जाओगे। ओ पांडव जी आग लगाई। पहले जमाने में ऐसे होते, जब नई नई पिक्चर देखते थे लोग पहले गाँव, सो बरसात के दिन में छाता लेके गए गांव के लोग, और वहाँ पर वहाँ पिक्चर में ही बरसात दिखाई, तो उतर की बरसात धीरे कहीं तो आएगी, तो झट छाता खोल के बैठ गए। कहा बरसात आ रही, पहले ऐसा हुआ है पहले? वहाँ रेलगाड़ी आ रही धड़धड़ाती हुई सामने से, तो उठ के भग देते लोग, आग लगी बम फटे फट फट फट, तो भगे लोग, अरे भैया भगो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है उस पूरी पिक्चर के मंडप में, क्या कहलाता है वो थिएटर में, एक व्यक्ति ऐसा है ना सागर दृष्टि है उसे, ना घबराहट होती है, ना विकार होता है, ना कुछ नहीं होता उसे, वो है ऑपरेटर। उसे पता है हर शो में यही क्रमबद्ध पर्याय है, उसे हर शो में वो ही क्रमबद्ध पर्याय है। वो शांति से देखता है, ना वो पैसा फेंकत है झूमे नाचवे पे, ना वो गालियां दे, ना वो डुसुम डुसुम करे जैसे बच्चे कहते हैं ना फिल्मों में, देखते 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 और मार मजा आ गया। लेकिन एक है वो नासाग दृष्टि, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञाता, उसे पता है भैया इसके बाद यही दृश्य आने वाला है। बिल्कुल एक्साइट नहीं होता, बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांत। कुछ समझ में आया कुछ? मैं आपसे प्रश्न, वो भी तो आदमी है छदमस्त और तुम भी छदमस्त, तुम इतने एक्साइट हो रहे, वो कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पता है इस क्रमबद्ध में, इस फिल्म में हर बार यही दिखेगा, इसमें फेरफार नहीं किया जा सकता। आपने देखा है पिक्चर देखकर आने वाली कंप्लेंट करती है, इसमें ऐसा ना दिखाते तो अच्छा था, ऐसा कर देते तो अच्छा था, ऐसा कर देते तो अच्छा था, ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छा था,
लेकिन उसे नहीं आता ये विकल्प, उसे तो ये मालूम है हमारे पास ऐसी शूटिंग आई है और यही दिखेगी, बस खत्म। समझ में आ गया कुछ? बोलो भाई, वहाँ बम विस्फोट दिख रहे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मेरे ज्ञान में विकारी भाव झलकते हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम धर्म ध्यान, यही आज्ञा विचय है। ज्ञान गेयों से आक्रांत नहीं होता, ये आज्ञा विचय है। ओहो, आज के बाद कोई सा भी गेय झलके मैं आक्रांत नहीं होऊंगा, ये आज्ञा विचय है, यही अपाय विचय है। कर्मों का फल को जान करके मैं मस्त रहूंगा, ये विपाक विचय है। इन संस्थानों इन आकारों में ऐसा ही ऐसा होगा, विचय है, बस खत्म हो गई। जरा अच्छे बोलो, चारों प्रकार के ध्यान का मूल आधार है मैं गेयाक्रांत नहीं हूँ। चार प्रकार के गेय का भेद है। ए क्या बोला? चार प्रकार का गेय का भेद है, गया तो आक्रांत हुए बिना। भाई ये धर्म ध्यान है। अब मैं फिर से पूछूं, ये ध्यान में गेयाक्रांत पना मिटेगा ध्यान करते समय, या खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते मिटेगा? जी और बता दो अंतिम। हालांकि आपके ट्रेडिशन के तो खिलाफ है, आपको तो यही लगे जब बैठेंगे तब होगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चौथे गुणस्थान में चलते फिरते उठते बैठते एक तत्व ज्ञान तरंगणी है, तत्व ज्ञान तरंगणी, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, चलते फिरते उठते बैठते गिरते पड़ते रोते नाचते। ओहो, एक शुद्ध चिद्रूप ही अनुभव में आ रहा है। पंडित जी हमने तो सरल नहीं लग रहा अभी। नहीं नहीं लग रहा ना सर, तो जिसे कठिन लग रहा वो खड़े हो जा। अब नहीं होगे मुझे ही पता है, मत हो खड़े। मैं अपनी तरफ से कह दे रहा हूँ, तुम सब खड़े हो, मेरे से पूछ रहे हो ध्यान कठिन है, तो मैं एक बात पूछता हूँ आपको। मैं पुरुष हूँ, ये ध्यान कब नहीं रहता? खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते लड़ते झगड़ते। मैं पुरुष हूँ, ये सत्ता का ध्यान कब नहीं रहता? जब इसका ध्यान बिना सोचे कर सकते हो, बिना बैठे कर सकते हो, क्योंकि इसका निर्णय है, इसके अहम पने का निर्णय है। और जिसका निर्णय गेय से भिन्न ज्ञान में अहम, क्या शब्द बोल दिया? गेय से भिन्न ज्ञान में अहम, जब उसका निर्णय है तो उसे 24 घंटे धर्म ध्यान क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं तो उस दिन से बहुत खुश हुआ जब से ये बात सुनकर के पक्की हो गई कि ध्यान में, धर्म ध्यान में आसन है ही नहीं, शुक्ल ध्यान में आसन होते। मुझे इतना रिलैक्स कर गया जे, क्योंकि मैं भी परेशान था, बैठो बैठो बैठो, मैं बैठता नहीं हुए मैं सोच रहा हूँ। मैं 24 घंटे आनंद ले रहा हूँ, ये कह रहा हूँ बैठना भी होता है, बैठना क्यों होता है उसके भी बहुत चरणानी योग है। मैं प्रमाद का पोषण नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। इस समय तो ज्ञान गेयाक्रांत नहीं होता है, ये धर्म ध्यान। बराबर समझ में आया? फिर से दृष्टांत रिपीट, फिर से रिपीट। समय हो गया, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। बोलो भाई, टेलीविजन की आइसक्रीम खा सकते हो कि नहीं? पक्का? तो मैं आपसे कहता हूँ, ज्ञान में कोई भी चीज झलकेगी उसका वेदन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पक्का? बस हो गया काम, हो गया। एक बच्चे का दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूँ। एक बच्चे को सबमरीन में बिठा करके ले गए, सबमरीन समझते हो, पानी के अंदर चलती है पनडुब्बी, उसके अंदर। तो बच्चों की एक आदत होती है हमेशा विंडो पे बैठते हैं, विंडो पे, छोटे बच्चे विंडो पे बैठे, और विंडो पे बैठते ही नहीं है, टकटकी लगा के बाहर देखते हैं पानी के अंदर है क्या, समुद्र के अंदर है क्या, ऐसे बिल्कुल मान के चलो एक कांच, यदि मेरे पास कांच होता तो मैं करके दिखाता थोड़ा, बिल्कुल कांच ऐसे लगा लेता मैंने, उसमें नाक ऐसी हो जाती, ऐसे देख रहा था, ऐसे समझ गए ना, तो ये तो बन गया होगा। और दर्पण की विंडो से ऐसे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है प्रसन्न। इतने में एक ऑक्टोपस आया है, ऑक्टोपस लाल लाल बड़ी बड़ी दो आंख, ऐसे मुंह खोला उसने, और अपना एक बड़ा पैर, आठ पैर है ना उसके, सीधे उस कांच पे मारा बिल्कुल इस जगह पे। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, भयाक्रांत हो गया एकदम, पापा बचाओ। पापा ने फोटो पकड़ ली, नहीं बेटा कुछ नहीं, पापा देखो निर्भय निर्भय, उन्हें पता है कुछ हुआ नहीं। बच्चा तो बिल्कुल घबरा गया, पास अरे नहीं बेटा कुछ नहीं, देखो हम हाथ लगा रहे, देखो नहीं पापा। अब उसे कहे वो हाथ लगा, वो नहीं लगा पा रहा चेहरा लगा, अब नहीं लगा पा रहा। फिर जब अपने हाथ लगाया, वो ऑक्टोपस ने फिर हाथ मारा, और वो देखा पापा को तो कुछ हुआ ही नहीं।
हुआ तो अपने को भी नहीं था कुछ, अब भेद विज्ञान किया उसने, हुआ तो हमें भी कुछ नहीं था। फिर वो धीरे धीरे पास आया, भेद विज्ञान का अभ्यास, फिर अब पास आया, अब फिर ऑक्टोपस ने मारा तो घबराया, फिर और फिर पास, दो चार बार ऐसा हुआ, अब तो बिल्कुल वापस ये विज्ञान घन होना शुरू हो गया जी, देखता जा रहा है। थोड़ी देर बाद कोई आ ही नहीं रहा था, पापा ऑक्टोपस नहीं आ रहा, वो कब आएगा, उसका मुंह कब देखूंगा खुला हुआ, पापा बेल मछली कब आएगी, पूरा मुंह खोलेगी तो मैं देखूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके लिए उसने अलग से ध्यान किया क्या कि भेद विज्ञान के अभ्यास से अब वो एक बार भी भयाक्रांत नहीं होता। और हमें इस पाठ को पढ़ाकर इतना ही कहना है, ज्ञान में शुभ अशुभ और शुद्ध गे झलके बिना नहीं रहेंगे। तुम्हारी भूमिका में तुम नहीं मिटा सकते अशुभ गेयों को, शुभ गेयों को बदल ला नहीं सकते हो, लाने बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है इस दुनिया में। जो भी है एक बाजू राम और एक बाजू अखा गाम, एक ज्ञान है एक गे है या कोई हो, कोई कोई ध्यान रखना, मैं राग की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्ञान गे की तरफ से कह रहा हूँ। अब आप निर्भय रहो, कोई जानने में आए मजा करो, इसका नाम धर्म ध्यान, इसका नाम है ज्ञाय का वेदन, इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है पुरुषार्थ। इसका निर्णय करो, बचने का निर्णय करना पुरुषार्थ नहीं है, भागने का नाम निर्णय का नाम पुरुषार्थ नहीं है। मैं जाऊं, मुझे जाने की जरूरत क्या है, बराबर है। और एक बात अंतिम, जब हम जिससे डरते हैं ना वो ही ज्ञान में झलकता है। आप क्यों पत्नी से नफरत करते हो, बच्चों से, मकान दुकान पैसा, किसी भी से, किसी की नफरत क्यों करते हो? ठीक है शैली में है, वहाँ बहुत कुछ कहा गया, शैली में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ मुझे भी पता है वो, लेकिन यहाँ तो बात वस्तु स्वरूप की चल रही है। आप जिसका निषेध सोचोगे ना 24 घंटे वो ही झलकेगा ज्ञान में, पक्की बात है। और इसका एक बहुत सरल दृष्टांत है, आप चाहे किसी का भी ध्यान कर लो, बस एक चूहे का ध्यान मत करना एक मिनट, सफेद वाले का, काले का कर लेना एक मिनट, सफेद चूहे का ध्यान मत करना, तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, बैठ के दिखाओ। कोई का भी ध्यान कर लेना, विश्व के समस्त गेहों का, एक ध्यान मत करना भैया जिन कुमार, एक सफेद चूहे का, वो भी इतना सा चूहे का ध्यान नहीं करना, बाकी तुम किसी का भी कर लो, एक मिनट बैठ जाओ तो ना, हम तुम्हें केवल ज्ञान दें तो कह दियो, हम केवल ज्ञान दे देते हैं। पंडित जी फिर आप कहते ही नहीं ना सफेद चूहा, हम कौन बाकी पीछे पड़े थे, जब हमें कोई सा भी जानना था तो आप जिसका नहीं जानना था उसका क्यों बताया आपने, सही बताया ना। आप में से कोई को भी सफेद चूहा इतना सा का ध्यान नहीं होता, लेकिन क्या के फंस गए ना अपन, ऐसे ही प्रभु तू गया क्रांत मत हो। मैं पत्नी बच्चों का इसलिए कहता हूँ कि सबसे ज्यादा डरावने यही लगती है, मुझे कोई मतलब नहीं पत्नी बच्चों से, लेकिन जो कोई बैठता है वो डर के उठ जाता है, और इसीलिए नहीं बैठता, भैया पंडित जी बड़ा कठिन है, भैया सभा में मोबाइल चालू कर लिया आपने, गलत बात। चलो हाँ भैया, देखो भाई प्रवचन तो बड़ा, मैं अपनी भाषा में ही कह दूं तो स्वामी जी कहते थे कच्चा पारा है, बहुत अभ्यास की जरूरत है, हम भी बहुत अभ्यास गहन अभ्यास के बाद आज इतना कह रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, मैं बहुत टॉप लेवल की बात कह रहा हूँ, इस बार मैंने समझ लो चरणानियों का पोषण किया ही नहीं, एक प्रकार से नहीं किया है लेकिन गौण किया है, गौण का मतलब अभाव नहीं। यदि किसी को अन्यथा लगा हो, स्वच्छंदता लगी हो, तो जिनागम के अभ्यास से अपने परिणामों का मिलान करना और मेरे प्रवचन का भी मिलान करना, और नहीं समझ में आए, गलत लगे सही लगे जो लगे, गलत लगे खास तौर से आगम विरुद्ध लगे तो मुझे सही कर देना, मैं सही कर लूँगा आगम से मिला के, और नहीं तो आप अपने आप को सही कर लेना। लेकिन जिस बात से पतन हो वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, जिससे हम ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर जाएं तो फिर वो मोक्ष मार्ग की लाइन और दिव्य देशना नहीं हो सकती। यदि आपको मेरी वाणी से नीचे गिरने का हो तो समझना वो मेरी वाणी भी आगम नहीं। मैं अपनी सफाई इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा अंतिम है और इसके बाद हम फिर कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। प्रायः करके मैंने ये देखा है कि मेरी शिकायत कहीं और से सॉल्व करोगे, बताने वाले की विवक्षाएं, अभिप्राय, वक्ता का उस समय का एक लक्ष्य होता है,
इस समय हमें मुझे बिल्कुल ध्रुव चढ़ा बताना है आपको, अप्रभावी सुरक्षित परिपूर्ण गाय पूरी बात है, बोले यही बताना है मेरे को। तो बाकी सब मैंने गौण किया है, लेकिन अभाव नहीं, मैं अपने जीवन में भी चारों अनुयोग सम्मत विचारता हूँ और आपके जीवन में भी चारों अनुयोग सम्मत देखना चाहता हूँ। फिर भी किसी को अन्यथा लगे तो मेरे को ही बताओ, मेरे को पूछो, इधर उधर कहने से वो विवक्षा बदल जाएगी, और विवक्षा बदल जाएगी तो आपको ये लगे कि विद्वान विद्वान एक नहीं है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के विद्वान हम एक हैं, हम स्यादवादी हैं, हम उनके अभिप्राय को भी समझते हैं, भी हमारे अभिप्राय को भी समझते हैं, लेकिन कोई भटके नहीं, भ्रमित ना हो, इसलिए परस्पर विरुद्ध विवक्षा भी बताते हैं। आपने देखा होगा मेरे प्रवचन के बाद भी सब विवक्षाएँ खुलती हैं, मनीष जी ने भी खोली, आपने भी विषय लिया अनुभव का, एक बहुत सुंदर विषय है, आप इसके गहन अभ्यास करें। और फिर कह रहे हैं आप अनंत व्यवसाय, अब होगा कछु बोलो, हमें क्या करना है, हमने तो लाभ ले लो, नहीं, एक भी माता बहन अनंत व्यवसाय में छोड़ के मत जा, मुझे इस भाव में इसका निर्णय करना ही है, मुझे इस भाव में चार अनुयोग सम्मत निर्णय करना है, अनुभव करना है और परिणमन करना है। इसके लिए जिस जिस प्रकार से मर पच करके चाहे आरंभ पाठशाला ज्वाइन करो, चाहे शास्त्री का कोर्स करो, चाहे परमागम ऑनर्स करो, लेकिन स्वाध्याय करने का नियम लेके जाना, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे भैया। एकमात्र शरण जिनवाणी माता है हमारे लिए, उत्तम क्षमा के साथ मैं अपना व्यवहार पूरा करता हूँ।